Hi everyone, this is Gitika Bhatia. Welcome back to our channel Divine Spect. Thank you so much for all your love and support, my dear YouTube family. आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियोस देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है. और वो जो छोटे छोटे कमेंट्स लिखते हैं उनको पढ़ के भी बहुत अच्छा लगता है. ऑल राइट, सो आज बात करने जा रहे हैं कि पीछे कुछ दिनों में कुछ लोगों को ऑब्जर्व किया और वो कुछ दुखी थे, बोल रहे थे कि क्यों हमारी लाइफ में ऐसा हो रहा है, क्यों ये चल रहा है, हमने तो किसी का कुछ खराब नहीं किया. सो देखिए, उनको मैंने ये समझाया कि जब भी कुछ हो रहा है लाइफ में, आपके कुछ भी जीवन में समय आ रहा है, वो सब कुछ, पहली बात तो जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, ये हमारी ही प्लानिंग है, ठीक है. लेकिन हम तो भूल गए हैं ना कि ये प्लान क्या कर कर आए हैं. सो हर एक चीज़, जो भी मोमेंट, जो भी वाक्या, जो भी घटना हो रही है जीवन में, वो सब का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट मीनिंग है, बहुत डीप मीनिंग है. हमें समझना है कि इस जर्नी में इसका क्या मीनिंग है. लेकिन बीइंग अ ह्यूमन माइंड, हमारे को इस चीज़ का सेंस बिल्कुल नहीं होता है. हम ये लॉजिक लगा ही नहीं पाते हैं, नहीं लगा सकते हैं. लेकिन जब आप अगर बैठें और ध्यान लगाएं उस समय पे और सोचें कि क्यों ऐसा हुआ होगा, अगर एक छोटा सा भी हिंट आ गया ना कि हो सकता है इस वजह से हुआ हो, तो समझ जाइएगा कि ये सिग्नल आया है आपके पास, आपके हायर सेल्फ से, आपके एंजल से. आपको यूनिवर्स ने मैसेज दिया है कि इसलिए हुआ है, परेशान मत हो. लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता. क्यों? क्योंकि हम बहुत परेशान हो जाते हैं ना जब, तो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब और टेंशन में होते हैं कि दिमाग इतनी सारी चीज़ों से भर जाता है कि उसके सिग्नल्स को रिसीव करने का जगह ही नहीं बचती है. ओके, सो हर एक चीज़ जो हो रही है, हर एक बात जो हो रही है लाइफ में, उसका इम्पोर्टेंट मीनिंग है. आपको सिर्फ उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना है. और आज ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आएगी कि क्यों ये घटना मेरे साथ हुई, लेकिन कल में जब हम जाएंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे कि ये क्यों हुआ था, तब हम सारे डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे और तब हमें समझ आएगा कि अच्छा, इसके लिए मेरे साथ ये हुआ ताकि मैं आज ये दिन देख सकूं. सो हमेशा जब भी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ हो, तो थोड़ा सा रुकिएगा और अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिएगा उस यूनिवर्स पावर पे, उस डिवाइन पावर पे, कि व्हाट एवर यू आर डूइंग, आप जो भी कर रहे हो वो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग आप कर रहे हो, तो मुझे इससे क्या सीखना है, मैं बैठूं और मैं सोचूं. और उसके बाद जब आप कल में जाएंगे, तो आज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अच्छा, वो तो नहीं हुआ, लेकिन जो कल आएगा ना, वो आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर होगा. इसलिए, और तब आप बहुत खुश भी होंगे ऑफ कोर्स. तो जब आप तब खुश होंगे, तो अभी आप क्यों दुखी हो रहे हैं? इसका मतलब आप टेस्ट कर रहे थे, आप टेस्ट ले रहे थे यूनिवर्स का या डिवाइन पावर्स का, आपको नहीं लेना है. मतलब आप जब खुश हैं, तो अब आप ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, तब आप थैंक यू करेंगे. लेकिन जब आपके साथ थोड़ा सा डाउन टाइम आता है, उस टाइम पे आप कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया. सो जस्ट हैव ट्रस्ट ऑन दैट पावर. जो पावर्स, जो हायर सेल्फ्स आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, वो आपके लिए खराब क्यों सोचेंगे? आपका अच्छा होगा इसके लिए वो आज के टाइम पे ये सिचुएशन बना रहे हैं. आप खुद से इस सिचुएशन में कभी नहीं पढ़ सकते, आप नहीं कर पाएंगे. देखिए ना, एक छोटा बच्चा जो होता है, वो स्कूल जाते टाइम कितना रोता है, और जो बीइंग पेरेंट्स, हमारे को क्या उसके लिए एक खास जो स्टेप्स लेने पड़ते हैं, अपने दिल को पत्थर रख कर उस बच्चे को रोते हुए स्कूल तक छोड़कर आना पड़ता है. और हम कहते हैं कि ओहो, दिल बड़ा दुख रहा है इस बच्चे को ऐसे भेजते हुए, रोते हुए. लेकिन कल को जब उस बच्चे के साथ में ये होता है कि वो बहुत पढ़ लिख जाता है और अच्छी जॉब्स पे, अच्छे बिजनेस करने लग जाता है, तब वही बच्चा उस बात के लिए थैंक यू करता है अपने पेरेंट्स को. तो यही हमको सोचना है कि वो जो टाइम था जब वो बच्चा रो रहा था, तब उसको लग रहा था कि पता नहीं मेरे पेरेंट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो तो चलिए बच्चा है,
अब वही बच्चे वाली बात हमको फॉलो करनी है, लेकिन हम थोड़ा सा, हमारा माइंड जो है वो इतना सोच सकता है, तो इसलिए हमको ये सोचना है कि आज जो भी हमें रुलाने के लिए या हमें दुख देने के लिए जो सिचुएशन बनी है, इसका पॉजिटिव आउटकम ही लिखा है। तो जो आप इस टाइम पे फेस कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, उसको खुशी खुशी सफर कीजिए, खुशी खुशी इस टाइम को निकालिए, अपने लिए स्ट्रेंथ मांगिए यूनिवर्स से, और कल जब आप इन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तब इतनी खुशी होगी आपके चेहरे पे कि ऑल राइट, मैं ये समझ नहीं पाया लेकिन ये सब कुछ कनेक्टेड था। तो कुछ भी रैंडम नहीं हो रहा है लाइफ में, नथिंग इज हैपनिंग रैंडमली कि कुछ हो गया, कोई मिल गया, नहीं, इट्स नॉट हैपनिंग लाइक दैट। एक 5 सेकेंड के लिए भी कोई आके अगर आपसे मिला है और उसने कोई बात करी है या कोई मैसेज दिया है आपको, वो भी लिखा हुआ था। तो इसलिए हर एक मोमेंट जो लाइफ में हो रही है, पूरे दिन में हो रही है, उसको बारीकी से देखिए कि क्यों हो रही है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। एंड यू विल सी, जब आप इन सब चीजों पे गौर करने लग जाएंगे, ध्यान देने लग जाएंगे, सो यू विल फील सो हैप्पी एंड कनेक्टेड। आपको हर एक सिचुएशन, हर एक इंसिडेंट में कुछ ना कुछ डीप मैसेज जरूर मिलेगा। यूनिवर्स से क्या क्या मैसेजेस हमें किस किस फॉर्म में आते हैं जो कि कोइंसिडेंसेस नहीं होते हैं, आई विल टॉक टू यू इन माई नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर, एंड यू विल सी, आप लोग डेफिनेटली रेजोनेट कर पाएंगे और उस टाइम आप सोच पाएंगे कि ओके, इट इज हैपनिंग फॉर दिस रीजन। Okay, so till then, you can just follow these things. Try to just surrender to the universe, to these divine powers. Don't go against the flow of the river. Just try to become the flow of the river. Okay, it's a very small and deep thought. Okay, thank you so much for watching and have a very great day ahead.